गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पीवीआर 332। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग वेक्टर्स, सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट पीवीआर 32 एज वेल एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पीवीआर 332। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज एक्चुअली अ वेक्टर। तो वेक्टर में क्या क्या प्रेजेंट होता है पहले वो बताएंगे। ये देखिए AMT लिखा हुआ है, आपकी NCERT बुक में भी दिया होगा, ऊपर R लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स। ये पूरा जो DNA दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक वेक्टर में जो प्रेजेंट है, आप जानते हैं वेक्टर के अंदर DNA प्रेजेंट होता है, तो इस पूरे ये जो यहाँ पे जो DNA प्रेजेंट है ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट DNA है। ठीक उसी तरह से ये आप देखिए इस तरफ राइट हैंड साइड पीवीआर 332 में आपको दिख रहा है TETR, इसका मतलब होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। और हमने जैसे कि कल आपको बताया था दीज आर कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर्स, सेलेक्टेबल जीन्स, यहाँ जीन्स प्रेजेंट हैं जो अभी हम आगे आपको बताएंगे ये किस प्रोसेस में काम आते हैं। पहले इनिशियली वी आर डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ PBR 332। ये आप जो देख रहे हैं PVU first एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन में ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो उस पर्टिकुलर एरिया में कट कराता है। मतलब यहाँ भी जो भी सीक्वेंसेस होंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ATAGCA, उसको ये रिकॉग्नाइज करेगा और वहाँ कट कराएगा। यानी दीज आर रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियर एंजाइम्स कैन ओपन अप दी वेक्टर एज सच। PST first इज अगेन अ रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियर एंजाइम एंड इट्स साइट ऑफ एक्शन इज अगेन एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। वेयर एवर इट इज प्रेजेंट वो वहाँ पे उसको कट करा के वैक्टर को सिंपली ओपन कराएगा। ठीक उसी तरह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में आप दो तरह के सेलेक्टेबल मार्कर का साइट देख सकते हैं। एक है BAM H1। तो BAM H1 टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में जो यहाँ पे DNA में जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है उसको रिकॉग्नाइज कराएगा और कट कराएगा, यानी कि ओपन कराएगा। ठीक इसी तरह SEL1 ये भी उसी जगह पे थोड़ी दूरी पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में ही उसको रिकॉग्नाइज कराएगा और कट कराएगा। ये ORI रीजन देखिए, ORI स्टैंड्स फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देयर आर सर्टेन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द DNA फ्रॉम वेयर द ओपनिंग ऑफ DNA टेक्स प्लेस। यानी कि DNA खुलता है, और DNA का खुलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि DNA के रेप्लिकेशन में DNA का अलग होना ज़रूरी है। आपको मालूम होगा DNA जो है वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, और अगर वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है तो बट नेचुरल जो है DNA खुलेगा, तभी जाके एक DNA के बगल से दूसरा DNA फॉर्म होता है। दो अलग अलग स्टैंड है, इससे चार स्टैंड बनते हैं। यही वजह है एक ऐसा पॉइंट होना जरूरी है जहाँ से DNA ओपन अप हो, अनवाइंड हो, एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर द वेक्टर, बिकॉज विदाउट दैट द वेक्टर कैनॉट रेप्लिकेट, एंड मोर ओवर द डिजायर्ड DNA विच हैज़ बीन इंसर्टेड इनसाइड दैट वेक्टर दैट विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ROP साइट प्रेजेंट इन द वेक्टर। ये देखिए ROP दिया हुआ है, और यहाँ पे हम एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है PVU second। ROP एक ऐसा DNA का सेगमेंट है जो कि DNA के रेप्लिकेशन में हेल्पफुल हो। यानी कि ये जो पूरा वेक्टर है जो DNA का बना हुआ है, क्लोज सर्कुलर DNA का, अगर एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर बनता है तो यहाँ ये जो DNA के सीक्वेंस है इससे मैसेंजर RNA बनेगा, उस मैसेंजर RNA से एक ऐसा प्रोटीन बनेगा जो कि इस पूरे वेक्टर के रेप्लिकेशन में हेल्पफुल हो। यहाँ तीन और अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ दिया हुआ ECORI first वो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऊपर वाले रीजन को रिकॉग्नाइज कराता है और वेक्टर को ओपन कराता है। ठीक उसी तरह CLA first वो भी एक पर्टिकुलर रीजन को रिकॉग्नाइज कराता है और ओपन कराता है। HIND 3 उसका भी वही काम है। कहने का मतलब ये है कि ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर है, जो कंस्ट्रक्टेड वेक्टर है, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ क्लोनिंग।
क्लोनिंग के पर्पज से। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। हमने आपको एक बात बताई थी कि हम क्या करते हैं किसी वेक्टर में के अंदर कोई डिजायर्ड डीएनए का सीक्वेंस इंसर्ट कराते हैं और फिर वेक्टर अलोंग विद द डिजायर्ड डीएनए दैट इज अलाउड टू गो इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म कैन बी अ प्रोकैरियोट लाइक बैक्टीरिया। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो वेक्टर है अलोंग विद द डिजायर्ड डीएनए वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर चला गया, क्योंकि ये तो इतनी छोटी चीज़ें होती कि आँख से दिखाई नहीं देंगी। तो उसको देख उसको समझने का ये या पहचानने का क्या मेथड है, इसीलिए हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में BAMH1 यूज़ किया और यहाँ से इसको ओपन अप कर दिया इस वेक्टर को, और यहाँ पे आपने डीएनए सेगमेंट ले लिया जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वहाँ पे आपका डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट इंक्लूड हो गया। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अब नॉन फंक्शनल हो जाएगा, लेकिन एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन अभी नॉन फंक्शनल नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने डिजायर्ड डीएनए का सीक्वेंस इंसर्ट नहीं किया है। अब इस पूरे वेक्टर को जो अलोंग विद द डिजायर्ड डीएनए है आप इट इज़ अलाउड टू एंटर इनसाइड द होस्ट सेल। नाउ अब होस्ट सेल जब ये ऐसा हो जाता है तो होस्ट सेल के अंदर वेक्टर आ जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि वेक्टर अलोंग विद द डिजायर्ड डीएनए आया है? पहले तो ये कि वेक्टर अंदर आया है कि नहीं, दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेक्टर के साथ डिजायर्ड डीएनए आया है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन के लिए कि क्या वेक्टर अंदर आया है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वेक्टर को अंदर भेजने की कोशिश करते हैं इन द होस्ट एज सच, वी वांट दैट द वेक्टर शुड गो इनसाइड द होस्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया, बट वो जाता नहीं है, बहुत रेयर केस में जाता है। तो कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आप होस्ट ऑर्गेनिज्म को एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक सोल्यूशन में रख दीजिए। अगर एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक सोल्यूशन में होस्ट ग्रो कर रहा है, इसका मतलब वो वेक्टर जो आप उसमें उसके अंदर भेजने की कोशिश कर रहे थे वो वहाँ पहुँच गया है। क्यों? क्योंकि वेक्टर के अंदर ही एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन एक पहले mRNA बनाएगा, फिर ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट प्रोटीन होगा, दैट विल अलाउ द होस्ट टू सर्वाइव इन एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक सोल्यूशन। अब दूसरा केस ये है कि हम यहाँ पे BAMH1 या SEL1 की हेल्प से इसको पहले वेक्टर को ओपन अप करेंगे और यहाँ पे अपना डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस इंसर्ट कर देंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट है, ये दो सेगमेंट्स पे ब्रेक हो जाएगी। कहने का मतलब इसके बीच में ही यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए एक नया डीएनए इंसर्ट हो जाता है, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नॉन फंक्शनल हो जाएगी। अब अगर इस वेक्टर को आप किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में भेज रहे हैं, एम्पीसिलिन सॉल्यूशन को चेंज कर दीजिए और वहाँ पे एम्पीसिलिन की जगह दूसरा एंटीबायोटिक यानी कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रख दीजिए। अगर होस्ट ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर रहा है, मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन में या ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वेक्टर अलोंग विद द डिजायर्ड डीएनए वो एंटर किया है। यानी वेक्टर ही नहीं एंटर किया, वेक्टर के साथ आपने जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऐड किया था वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के बीच में जाके इंसर्ट हो गया और इसी वजह से टेट्रासाइक्लिन जीन जो है नॉन फंक्शनल हो गया, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। कई बार ऐसा होता है कि दो बार हमें एंटीबायोटिक बदलनी पड़ती है ऐसे प्रोसेस में, ये देखने के लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं, कि पहले वेक्टर आया है कि नहीं अंदर, और फिर ये देखने के लिए वेक्टर के साथ आपने जो डिजायर्ड डीएनए उसमें इंसर्ट किया था वो डिजायर्ड डीएनए भी वेक्टर के साथ आया है कि नहीं, यानी कि रिकॉम्बिनेशन। तो दो अलग अलग प्रोसेस के लिए हम दो अलग अलग एंटीबायोटिक सोल्यूशन को चेंज करते हैं। पहले हम एम्पीसिलिन सोल्यूशन रखते हैं और फिर उसकी जगह टेट्रासाइक्लिन सोल्यूशन रखते हैं। यही वजह है कई बार हम क्या करते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जगह बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन यूज़ करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमें दो बार सोल्यूशन बदलने की ज़रूरत नहीं है, केवल एम्पीसिलिन सोल्यूशन में रखिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट बीटा यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जगह बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन यूज़ करेंगे,
हम एक सब्सटेंस डालेंगे एक्स गाल, तो बट नेचुरल है अगर डीएनए इंसर्ट हमारा डिजायर्ड डीएनए बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन की जगह पे इंसर्ट होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा क्योंकि वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनाएगा। और अगर नहीं बनाएगा तो ऊपर से एक सब्सटेंस डालेंगे टेस्ट ट्यूब में जो जिसका नाम होता है एक्स गाल। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन जब बनता है तो एक्स गाल को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। अब वो ब्लू कलर ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, वाइट कलर ऑब्जर्व हो रहा है, इसका मतलब डीएनए इंसर्ट आपका उस जगह पे पहुंच गया है जहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है। इसका ये भी मतलब है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही गया है क्योंकि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो एक्टिव है, वहाँ तो वेक्टर पहुँच गया है अंदर होस्ट ऑर्गेनिज्म के, और एम्पीसिलिन सोल्यूशन से होस्ट ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुकी नहीं। और साथ ही साथ आपने ये भी टेस्ट कर लिया कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन जो है वो डीएक्टिवेट हो गया क्योंकि उसकी जगह पे आपका डिजायर डीएनए सीक्वेंस पहुँच गया है, और इससे ये प्रूव हो जाता है कि रिकॉम्बिनेशन भी हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही गया है साथ ही साथ रिकॉम्बिनेशन भी हो गया है। तो ये डायग्राम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का है, आप समझ सकते हैं, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया इसके बारे में। ओके, जब आपका दो डीएनए एक साथ मिलता है तो हम एक एंजाइम यूज़ करते हैं दोनों को जोड़ने के लिए, वेक्टर डीएनए को और डिजायर डीएनए को जोड़ने के लिए, जिसका नाम है डीएनए लाइगेज, और उसके बाद ही उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर भेजने की कोशिश करते हैं। नाउ ये होमवर्क असाइनमेंट है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ PBR-332 आप देकर बना सकते हैं। व्हाई डू वी यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ ROP इन PBR-332, हमने आपको बता दिया, प्रोटीन बनाता है जो वेक्टर के रेप्लिकेशन के लिए यूजफुल है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में हम बता चुके हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, दैट इज प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करती है। थैंक यू वेरी मच।